हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, यह सौरभ डॉग चैनल, आपका अपना चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ वर्मा फ्रॉम यूपी वाराणसी से। आज हमारे साथ हमारे एक प्यारा सा दोस्त है जो कि फीमेल है। ये गुड़िया जो है हमारी बेल्जियम मेलोनाई का पपी है। राइट नाउ शी इज 65 डेज ओल्ड, 65 दिन की बच्ची हो गई है। क्या हो गया, ऊंचाई पे डर लग रहा है तुमको? खड़े होके दिखाओ, खड़े होके दिखाओ। ये नहीं नहीं गिरना, नहीं गिरना, नहीं। तो बेल्जियम मेलोनाई, जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ने वाले, भागने वाले, आ जाओ मेरे को, बहुत तेज धावक होते हैं। इनकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा वजनी नहीं होते। ये डॉग 30 से 35 केजी भार वर्ग होता है। बड़े छरहरे, बड़े तंदुरुस्त और बहुत ही तेज दौड़ने वाले ये डॉग होते हैं। इनकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। किसी भी प्रशासन में, पुलिस विभाग में या आरपीएफ में, बॉम्ब स्क्वाड में आजकल इनको खास रूप से नो यूज किया जा रहा है। और बेसिकली जो इनकी मुख्य पहचान होती है, इनका ये ब्लैक मास्क होता है। ये पूरा चेहरा ब्लैक हो जाएगा बड़े होके, और ये पूरी बॉडी का कलर ऐसे ही रहने वाला है। तो 65 डेज की एज में ये काफ़ी अच्छा बॉडी वेट गेन करा है इसने। काफ़ी हेल्दी पपी है। क्या है, और इसकी एक सबसे अच्छी या सबसे बुरी बात बताऊं, इसको ना पसंद ही नहीं कि कोई इंसान इसको टच करे। ये बिल्कुल ही खुले में रहना चाहती है। चाहे इसको आप छोड़ दीजिए, ये दौड़े भागे खेले। अभी हम इसको नीचे उतार देंगे तो ये शांत हो जाएगी। ना, मैं व्यूअर्स को कम्प्लीटली दिखा दूं। आप देख सकते हैं प्रॉपर, आप क्वालिटी देखिए दोस्तों, ठीक है। फेस देखिए, पॉज देखिए, कलर देखिए, कान देखिए। सबसे अच्छी चीजें हैं इसके कान। तो कानों के बीच का जो ये गैप है, ये आपको एक प्योरिटी का साइन देता है। और बेल्जियम मेलोनाई वही ब्रीड है जिसने हाल ही में पाकिस्तान में उस बड़े आतंकवादी को पकड़वाया है, जिसका मैं नाम लेना भी नहीं चाहता। वो मुझे अच्छा नहीं लगता उसका नाम लेना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो डॉग होते हैं, ये बहुत अच्छा, मतलब एक बार में ये 12 से 14 फीट की छलांग मार सकते हैं। ये दीवालों पे चढ़ने में बहुत निपुण होते हैं। अगर इनको आप अच्छी ट्रेनिंग दें तो इनको बॉम्ब स्क्वाड में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी है, चाहे स्विट्जरलैंड हो, नो। तो क्या है, मैं बात कैसे करूँगा, इधर बैठो। तो यूरोपियन कंट्रीज जो भी है गाइज, चाहे स्विट्जरलैंड हो, इटली हो, फ्रांस हो, बस वो सारे लोग अपनी सेना में बेसिकली बेल्जियम मेलोनाई को यूज करते हैं। आजकल भारतीय सरकार भी, भारत सरकार भी बेल्जियम मेलोनाई को ही यूज कर रही है अपने कई गुप्त कामों के लिए। और चलो जब हम, अभी हम इसको फिलहाल छोड़ दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आजकल इनको यूज कर रहे हैं बहुत सारे अलग अलग कामों में। ये हाई ट्रेंडेबल डॉग है। और सबसे अच्छी चीज इस ब्रीड के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जल्दी बीमार नहीं पड़ते। कैमरामैन से दरख्वास्त है कि पपी पे फोकस कीजिएगा। ये जल्दी बीमार नहीं पड़ते, स्मूथ कोट होने की वजह से इनके बाल नहीं झड़ते, इनका हेयर फॉल नहीं होता। ये रेयरली बीमार पड़ते हैं, मतलब मुझे जहाँ तक पता है कि 3 साल से बेल्जियम मेलोनाई मेरे फ्रेंड के पास है, पेयर है, और कभी कभार ही उसे उल्टी पॉटी या लूज मोशन की शिकायत हुई होगी, या तो वो भी नहीं हुई होगी। और कुल मिला जुला कि काफ़ी तंदुरुस्त, मजबूत और रफ एंड टफ ब्रीड है। मतलब आप किसी भी तरह इसको रख सकते हैं, कुछ भी खाना दे सकते हैं। कुछ भी खाने का मतलब ये है कि जो खाना इनको देना चाहिए वो खाना आप इनको दिया करें, ठीक है। अब आते हैं वापस से अपने, आपने पपी को देख लिया, पपी अभी अपना चल फिर रहा है, खेल कूद रहा है। आप इनको दूध रोटी में भी रख सकते हैं, अंडे और रोटी भी दे सकते हैं, पेडिग्री भी दे सकते हैं, डॉग फूड भी दे सकते हैं, रॉयल कैनिन भी दे सकते हैं, नॉनवेज पे भी रख सकते हैं। मतलब इट्स ऑल अप टू यू कि आप किसी डॉग को नॉन वेजिटेरियन रखें या वेजिटेरियन रखें। अगर आप वेजिटेरियन भी रखना चाहते हैं किसी डॉग को, तो डॉग को नॉनवेज से क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है फाइबर और प्रोटीन कंटेंट। तो प्रोटीन पनीर में भी है, आप पनीर रोटी दे सकते हैं। छेना में भी है, आप छेना रोटी दे सकते हैं, या पनीर या छेना को डॉग फूड में मैश करके दे सकते हैं। सो इट विल बी ग्रेटफुल फॉर योर पपी, फॉर योर डॉग, जब आप प्रोटीन कंटेंट का या प्रोटीन एनरिच्ड फूड्स देते हैं अपने डॉग्स को। बेल्जियम मेलोनाई की एक सबसे अच्छी और खास
आदत कहिए या गुण कहिए उनके अंदर जो एक्टिविटी है या टैलेंट ऊपर वाले ने दे रखा है वो है इनकी याददाश्त। बहुत ही ज़्यादा शार्प मेमोरी होती है इनकी, ये अगर एक बार किसी को देख लें, किसी को पहचान लें तो कभी नहीं भूलते, किसी से गुस्सा कर लें तो भी वो कभी उसको नहीं भूलते। बहुत अच्छे अटैकर हैं, बहुत अच्छे होमली ब्रीड भी है, फैमिलियर ब्रीड भी है, कंपेनियन भी बहुत अच्छा है, गार्ड भी बहुत अच्छा करेगा। मतलब ये एक ऐसी ब्रीड है गाइस जो एक के अंदर, जिसको कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, सो एक डॉग के अंदर आपको सारी खूबियां अगर मिल रही हैं तो वो बेल्जियम मेलिनॉय है। ऐसे बेल्जियम मेलिनॉय काफ़ी महंगे आते हैं, बट इसके मदर फादर को हमने देखा है और ये हमारे अपने कैनल या अपने ब्रीडिंग फार्म का पपी नहीं है, हमारे फ्रेंड के फार्म का है, तो उन्होंने हमें इसको दिया है कि सौरभ आप अपने किसी अच्छे क्लाइंट को दीजिएगा। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक पपी हमारे पास ये बचा हुआ है। इसकी प्राइस वैल्यू जो हमने रखी है वो रखी है 40,000 rupees, 40,000 rupees। इसके अलावा हमारे पास जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, शिह त्ज़ू, चिहुआवा, पग, पोमेरियन, डॉबरमैन, अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन हस्की, साइबेरियन हस्की, अकीता, शिबा इनू, तोसा इनू, जापानीज मैस्टिफ, बुल मैस्टिफ, नेपोलियन मैस्टिफ, इंग्लिश मैस्टिफ, जैसे एवरी ब्रीड, छोटी से बड़ी ब्रीड, पग, पोमेरियन, बीगल, डैशन, लासा एप्सो, शिह त्ज़ू, चिहुआवा, ये सारी ब्रीड हमारे यहाँ मिल जाती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी पपी लेना हो तो नीचे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करें। अभी बच्चा काफ़ी बदमाशी कर रहा है, ले लो इसको, बहुत मिले लो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ महंगे डॉग्स मिलते हैं 40,000, 30,000, 25,000, हमारे यहाँ डॉग्स की रेंज 8,000 rupees से शुरुआत हो जाती है। आप टेरी कॉलर से ब्रोशर मांग सकते हैं, ब्रोशर में हमने 7,500, 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 हर रेंज के डॉग्स दिखाए हुए हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग डॉग ले सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद जय भारत।